भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की एक जबरदस्त सीरीज 14 जनवरी से शुरू होने वाली है। और दोस्तों इस सीरीज के शेड्यूल और साथ ही साथ दोनों ही टीमों के स्क्वाड्स की पूरी तरह से घोषणा हो चुकी है। और आज इस वीडियो में हम आपको इस जबरदस्त सीरीज के शेड्यूल और साथ ही साथ स्क्वाड्स के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले इस सीरीज के शेड्यूल के बारे में बात करें तो दोस्तों जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि इस सीरीज में मात्र 3 वनडे मैच ही खेले जाएंगे। दोस्तों इस सीरीज का सबसे पहला वनडे मुकाबला 14 जनवरी को खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। दूसरा वनडे मुकाबला दोस्तों 17 जनवरी को खेला जाएगा राजकोट के स्टेडियम में। और इस सीरीज का अंतिम वनडे मुकाबला 19 जनवरी को खेला जाएगा बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। मात्र 3 वनडे मैचों की ये सीरीज होने वाली है। दोस्तों अगर हम इन तीनों ही वनडे मैचों की टाइमिंग्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ओडीआई मैचेस की टाइमिंग्स में इस सीरीज के लिए भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसी प्रसारित समय पे यह ओडीआई मुकाबले शुरू होने वाले हैं। दोस्तों दोपहर को 1:30 बजे से इन तीनों वनडे मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग आप अपने टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे। दोस्तों अगर हम साथ ही साथ इसकी लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स के बारे में बात करें तो दोस्तों इस सीरीज के भी सभी मैचेस आपको टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स और मोबाइल पर हॉटस्टार की एप्लीकेशन पर लाइव देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का शेड्यूल इस भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भी रहने वाला है। तो दोस्तों अब अगर हम शेड्यूल के बाद स्क्वाड्स के बारे में बात करें तो दोस्तों इस सीरीज के लिए हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड देखें तो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड कुछ इस प्रकार होने वाले हैं। दोस्तों इनके स्क्वाड में होने वाले हैं, एक तो दोस्तों बल्लेबाजों में होने वाले हैं कप्तान एरन फिंच, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और साथ ही साथ डार्सी शॉट। ये 4 बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में होने वाले हैं। ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें तो ऑलराउंडर्स की सूची में इन खिलाड़ियों का नाम आता है मार्नस लाबुशेने, एश्टन टर्नर और साथ ही साथ एश्टन एगर। ये 3 ऑलराउंडर्स को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने ऑलराउंडर्स की सूची में सेलेक्ट किया है। दोस्तों विकेट कीपर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों कुल 2 विकेट कीपर्स को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सेलेक्ट किया है जो कि है दोस्तों एक तो एलेक्स कैरी और साथ ही साथ पीटर हैंडस्कॉम। दोस्तों अगर हम अंत में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के बारे में बात करें तो दोस्तों कुल 5 गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शामिल किया है जो कि है दोस्तों एक तो पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, केन रिचर्डसन, मिचेल स्टार्क और साथ ही साथ एडम जैम्पा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का स्क्वाड हमको भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम का दिखने वाला है। तो दोस्तों अब अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम के बाद भारतीय टीम के स्क्वाड के बारे में बात करें तो बल्लेबाजों की सूची में आते हैं कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा जो अपनी वापसी कर रहे हैं, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और साथ ही साथ मनीष पांडे, केएल राहुल का नाम भी आता है। दोस्तों अब अगर हम ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें तो कुल 3 ऑलराउंडर्स को भारतीय टीम ने सेलेक्ट किया है जो कि है दोस्तों एक तो केदार जाधव, शिवम दुबे और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा। तो दोस्तों अब अगर हम विकेट कीपर्स के बारे में बात करें तो मात्र 1 विकेट कीपर का ही भारतीय टीम ने चयन किया है जो कि है दोस्तों ऋषभ पंत। दोस्तों अगर हम अंत में भारतीय टीम के गेंदबाजों के बारे में बात करें तो गेंदबाजों की सूची में आते हैं युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और साथ ही साथ मोहम्मद शमी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का स्क्वाड भारतीय टीम का रहने वाला है और इस प्रकार का सिनेरियो इस सीरीज के लिए होने वाला है। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम इस जबरदस्त सीरीज में जीतने वाली है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपना उस तरह शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।